शक्ति पीठ डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात के अंबाजी मंदिर की। गुजरात का अंबाजी मंदिर बेहद प्राचीन है। मां अंबा भवानी के शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर के प्रति मां के भक्तों में अपार श्रद्धा है। इस मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। शक्ति के उपासकों के लिए ये मंदिर बहुत महत्व रखता है। यहाँ माँ का एक श्रीयंत्र स्थापित है। इस श्रीयंत्र को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है कि देखने वाले को लगे कि माँ अम्बे यहाँ साक्षात विराजी हैं। अम्बाजी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था, वहीं भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहां आ चुके हैं। मां अंबाजी मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 से शुरू हुआ था और तब से अब तक जारी है। श्वेत संगमरमर से निर्मित ये मंदिर बेहद भव्य है। मंदिर का शिखर 103 फुट ऊंचा है। शिखर पर 358 स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक पहाड़ है। इस पहाड़ पर भी देवी मां का प्राचीन मंदिर स्थापित है। माना जाता है यहां एक पत्थर पर मां के पदचिन्ह बने हैं। पदचिन्हों के साथ साथ मां के रथ चिन्ह भी बने हैं। अम्बा जी के दर्शन के उपरांत श्रद्धालु गब्बर जरूर जाते हैं। हर साल भाद्रपदी पूर्णिमा के मौके पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। भाद्रपदी पूर्णिमा को इस मंदिर में एकत्रित होने वाले श्रद्धालु पास में ही स्थित गब्बरगढ़ नामक पर्वत श्रृंखला पर भी जाते हैं, जो इस मंदिर से 2 मील दूर पश्चिम की दिशा में स्थित है। प्रत्येक माह पूर्णिमा और अष्टमी तिथि पर यहाँ माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ फोटोग्राफी निषेध है। शक्ति स्वरूपा अंबाजी देश के अत्यंत प्राचीन 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। वस्तुतः हिंदू धर्म के प्रमुख 12 शक्ति पीठ हैं। इनमें से कुछ शक्ति पीठ हैं कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी का कुमारिका मंदिर, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, प्रयाग का देवी ललिता का मंदिर, विंध्या स्थित विंध्यवासिनी माता का मंदिर, वाराणसी की मां विशालाक्षी का मंदिर, गया स्थित मंगलावती और असम की कामाख्या देवी का मंदिर। ज्ञात हो कि सभी शक्ति पीठों में मां के अंग गिरे हैं। नवरात्रि में यहां का वातावरण आकर्षक और शक्तिमय रहता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस समय मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। समूचे गुजरात में कृषक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मां के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। व्यापक स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में भवई और गरबा जैसे नृत्यों का प्रबंध किया जाता है। साथ ही यहां पर सप्तशती मतलब मां की 700 स्तुतियां का पाठ भी आयोजित किया जाता है। गब्बर पहाड़ स्थित माता का जो मंदिर है, वहां आप उड़न खटोला की सहायता से भी जा सकते हैं। उड़न खटोला की सवारी जब आप करेंगे तो मां के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेंगे। इसका किराया भी सामान्य है। ये सुविधा उषा ब्रेको नामक कंपनी ने उपलब्ध करवाया है और आपके खान पान के लिए भी रेस्टोरेंट उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा यहाँ अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनमें सनसेट पॉइंट, गुफाएं, माताजी के झूले आदि भी देखने योग्य स्थल हैं। अब सवाल ये है कि आप अंबाजी का मंदिर कैसे पहुँचे? तो इसका जवाब है गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित विख्यात तीर्थ स्थल अंबाजी मंदिर। माँ दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक है अंबाजी मंदिर। गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है।
आप यहां राजस्थान या गुजरात जिस भी रास्ते से चाहें पहुंच सकते हैं। यहां से सबसे नजदीक स्टेशन माउंट आबू का पड़ता है। आप अहमदाबाद से हवाई सफर भी कर सकते हैं। अंबाजी मंदिर अहमदाबाद से 180 किलोमीटर और माउंट आबू से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।